इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद में आप सभी का हर मकदम है। भारत की अर्थव्यवस्था यानी मईशत माइनस यानी मनफी 24% में गई हुई है। आने वाले वक्त में देश की हालत क्या होगी इसका इल्म खुदा को ही हो सकता है। बड़े इल्मी दानिश्वर और मईशत के माहिरीन का कहना है कि अब जल्द मईशत का बेहतर होना खासकर भारत में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। चाइना भारत तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। भले हमारे चैनलों पर आज भी सुशांत सिंह की कहानियां ही दोहराई जा रही हो और इसी पर डिबेट हो रहा हो, अब जाहिर है इस मुश्किल दौर में फिर भारत में हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाए इसके इम्कानात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की हुकूमत ने हाल ही में चाइना के 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें पबजी भी है। अब इस पबजी से भारत सरकार को क्या फायदा हुआ होगा और चीन को कितना नुकसान हुआ होगा इसका तो इल्म नहीं है, पर इतना जरूर है कि जो स्कूल पढ़ाई छोड़कर पबजी खेलने वाले बच्चे और कुछ बड़े नाराज हैं तो वालिदैन काफी खुश है। दीवानगी के हद तक जाकर खेलने वाले कुछ नौजवान आज भी पूरे मुल्क में देखे जाते हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत में इसे 25% खेला जाता है, वहीं चीन में जहां यह पबजी बनाया गया वहां पर महज 17% यूजर्स हैं। अमेरिका में तो महज 6% है। पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो सबसे दीवाने भारत में ही पाए जाते हैं। अब जब इस खेल पर पाबंदी लगा दी गई है तो वालिदैन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें किस तरह बच्चों की इस लत से छुटकारा पाया जाए समझ में नहीं आ रहा था। बेलगाम शहर में भी कई वालिदैन ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया, पर आखिर यह पबजी है क्या और इतनी मकबूलियत कैसे हासिल हुई। खैर, भारत ने चीन तनाजे के मद्देनज़र इसे बंद तो किया हुआ है। इसके बंद करने से चीन को कुछ ज़्यादा असर तो पड़ने वाला है नहीं और ना ही भारत को ही इस मार्के में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो बच्चे घरों में बैठकर दिन रात पबजी में अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे अब यह वक्त किसी और काम में लगा सकते हैं। कई ऐसी मिसालें पबजी की दीवानगी में देखी गई कि मोबाइल छीन लेने से घर वालों का ही कत्ल किया। बेलगाम में भी ऐसा वाकया पेश आया था जो सब आप सभी ने देखा है और पढ़ा भी है खबरों में। इस खेल को इस तरह बनाया गया है कि जैसे जैसे खेलता रहेगा उतना ही खेलने वाले को मजा आता रहेगा। एक तरह इस खेल को जिंदगी के मकसद से दूर करने वाला खेल भी कहा जा सकता है। देर रात तक मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर यह खेल खेला जाता है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं। यह गेम एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से मुतासिर होकर बनाई गई। पबजी यानी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड है। पबजी में करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उनमें से सिर्फ एक ना बचा रह जाए। इस खेल को साउथ कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू वेल ने बनाया है। इसे हम अगर दज्जाली फितना भी कहे तो एक कम ना होगा और ना गलत होगा, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने एक मकसद देकर दुनिया में भेजा है। लिहाजा इस खेल के दीवानों को ना खुदा का खौफ रहता है और ना ही अपनी जिम्मेदारी का लिहाज। नमाज और दीन अहकाम से अपने आप को वो दूर ले जाता है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे बच्चे सिर्फ खाने पीने के लिए हरकत करते हैं, बाकी औकात में पबजी पर ये वक्त सर्फ करते देखा जा सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई में तो अक्सर बच्चों ने बेजारी दिखाई। अब जिस किसी पसे मंजर में इसे बंद किया हो, पर यह अच्छा हुआ कि शायद पबजी की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में पबजी का जिक्र करते हुए कहा था कि यह समस्या भी है और समाधान भी है, पर शायद 1.5 साल बाद वजीर आजम को यह एहसास तब हुआ जब चीनी फौजियों ने भारत फौजियों को शहीद किया तो प्रधानमंत्री को यकीन हुआ कि यह समाधान नहीं है, समस्या ही है। पर आज भी यह प्रधानमंत्री ने किस लिहाज से इसे समाधान कहा था मालूम नहीं। शायद इस ऐप से कुछ फायदा भारत सरकार को उस वक्त जरूर हुआ होगा क्योंकि भारत ने कई चीनी ऐप में निवेश किया हुआ था। भारत सरकार के डिजिटल स्ट्राइक से चीन को जरा भी असर नहीं होगा ऐसा इल्मी माहिरीन का कहना है, क्योंकि दुनिया के सबसे तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले मुल्कों में चीन ने अपना मकाम बना लिया है। भारत की इस कोशिश को कमजोर कोशिश भी कहा जा रहा है, जबकि भारतीय मीडिया चीन को जबरदस्त झटका कह रही है। वही दुनिया में ऐप्स पर पाबंदी कोई मायने नहीं रखती ऐसा भी कहा जा रहा है। खैर, पबजी पर पाबंदी से वालिदैन को कुछ राहत जरूर मिली है। जहां पबजी के ख्याली दुनिया में अपना मुस्तकबिल बर्बाद करने वालों को नई राह जरूर मिल सकती है, क्योंकि भारत में आने वाले दिनों में
तसव्वुराती दुनिया में जीने वालों को पागल ही कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत जद्दोजहद ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं और अच्छे आमाल आखरत में कामयाब बनाते हैं। आज के नौजवानों से इत्तेहाद न्यूज़ गुजारिश करता है कि नौजवानों को इसलिए क्योंकि 14 साल से 24 साल के नौजवान ही इसे सबसे ज़्यादा खेलते हैं और यही वो वक्त होता है जहां ज़िंदगी मोड़ लेती रहती है। नौजवान किसी कौम किसी मुल्क का सरमाया होता है, दीन की सरबुलंदी इन्हीं नौजवानों के हाथों में होती है और अगर कौम व मुल्क का मुस्तकबिल यूं ही ख्याल तसव्वुरी बादलों में बर्बाद हो जाए तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं हश्र में सबसे पहले सवाल यही होगा कि तुम्हें जवानी दी थी तो उसे कहाँ लगाया। क्या जवाब देगी यह नस्ल जो आज पबजी में सब कुछ बर्बाद कर रही है, माँ बाप रिश्तेदारों का लिहाज ना करते हुए मोबाइलों में घूरते हुए एक नस्ल बर्बाद हो रही है। लिहाजा आज पबजी बंद हुआ तो कल कुछ नया आएगा, जरूरत है आज नौजवान नस्ल को बेदार होने की और यही वो मौका है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की सही परवरिश करें वरना फिर पछतावे से कुछ हासिल नहीं होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।